स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। E2 का स्पेशल हाईलाइट वीडियो होगा ये दोस्तों, उसके मेन एबिलिटीज़ और मेन टैलेंट्स के ऊपर। हम लोग सभी जानते हैं E2 का जो मेन एबिलिटीज़ है वो दो है, एक टाइम मैनिपुलेशन और दूसरा स्पेस टाइम स्लैश शेडो मूव। टैलेंट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। उसका एक टैलेंट है जिसमें वो रेंज वेपन को डिफ्लेक्ट या डॉज कर सकता है। वो कैसे करना है हम लोगों को वो मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे वीडियो पर। और उसके बाद लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन नहीं है शेडो फाइट अरीना के E2 में, तो मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन है दोस्तों E2 के पास, वो भी मैं बताऊँगा आगे वीडियो पे। मेडिटेशन के लिए दोस्तों बिहोल्ड द फ्यूचर टैलेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है E2 का वो इस लेवल तक जा सकता है कि जो शेडो मूव है उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, वो इवेड नहीं कर सकता, कोई डॉज नहीं कर सकता उसको। उसके साथ साथ हम लोगों को मेटाफिजिकल कैलकुलेशन भी लेना होगा, जिसमें हेल्थ रिजनरेशन कर सकता है E2 जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है या वो जब शेडो मूव का इस्तेमाल करता है। और परसूट ऑफ एक्सेलेंस जो है दोस्तों वो हम लोग का अटैक डैमेज को बढ़ाता है। चलिए पहले रेंज वेपन वाला चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे रेंज वेपन E2 डॉच करता है। डाउन बटन को प्रेस करना है दोस्तों, और आप लोग देखिए स्लो मोशन में दिखाता हूँ। डाउन बटन प्रेस कीजिए, जो रेंज वेपन है वो डिफ्लेक्ट होकर अपोनेंट को कनेक्ट कर देगा दोस्तों, और अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता तो E2 उसको डॉच कर लेगा। बस यही करना है हम लोगों को वो फर्स्ट लेवल ऑफ टैलेंट के लिए। फिर से दिखा रहा हूँ जू के साथ, एक बार फिर से स्लो मोशन में देखिए। डाउन बटन यूज़ करना है हम लोगों को, और E2 जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा रेंज वेपन को अपोनेंट की तरफ और उसको हिट करेगा वो एनी हाउ। तो ये था फर्स्ट लेवल ऑफ टैलेंट दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। मेरा हेल्थ को गौर फरमाइएगा, और अब देख लीजिए बिहोल्ड द फ्यूचर प्लस मेटाफिजिकल कैलकुलेशन का फ़ायदा। रिजनरेशन पे गौर फरमाइए दोस्तों, स्लो मोशन में दिखाता हूँ आप लोगों को। जो लोग बोल रहे हैं कि E2 के पास मेडिटेशन नहीं है, यही एक मेडिटेशन का एक रूप है दोस्तों, अल्टरनेट मेडिटेशन E2 के लिए। कुछ यूनिक बनाया है शेडो फाइटर ने टीम में, बहुत बेहतर। ये था E2 का मेन हाइलाइट्स दोस्तों, टाइम मैनिपुलेशन और स्पेस टाइम स्लैश शेडो मूव। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।